देखो ना, तुमसे जब मार के निकाले अभी तमारे तो अब तो भागी जा। एक तो तीन। हाँ चलो, सारे पेशेंट को बोलना डिस्टेंस रखो, दो दो मीटर का बीच में डिस्टेंस रखो। और दूसरी बात, सैनिटाइजर सबको कंपलसरी मारो। हाँ चलो, इनके भी हाथों पे कपड़ा मुक लगा के रखना। हाँ चलो, हाथ पे सैनिटाइजर मार के लो आराम से। हाँ पूरा मलो सही तरीके से। हाँ उनको भी सैनिटाइज करो। गवर्नमेंट के सारे इंस्ट्रक्शन सही तरीके से फॉलो करो। सैनिटाइजर मारना तो पे सबके मुंह को कपड़े लगा के रखना, समझ गए? लगा बुरी ताकत, लगा, जकड़ लो उसको, जकड़ उसको, मारो। क्या समझ के उन्हें परेशान कर रहा था? हाँ क्या करने वाला था उसको मार देने वाला था? हाँ कब मारने वाला था? मास में पुण्यम में कब? जल देना, पूरा जला दूंगा। जकड़ लो उसको तेजी से। लगा बुरी ताकत। हाँ जोर से और जोर से। चला बोल। हाँ खत्म कर दू पूरा। हाँ बुलाओ जंजीरा वालों को, इसको बन के डालो, इसको तेजी से काट देंगे, इसके टुकड़े करेंगे बाद में। कैसा उन्होंने जुलूम दे रहा? कहाँ पकड़ा था उसको? मस्जिद में पकड़ा क्या? कोई भेजे थे को? हाँ कहाँ से? हाँ बोल। कहाँ से आया तू? आधे में से। हाँ बोल, काट दो पूरा। कर ताकत कितनी थी? बोलेगा नाम क्या? बोल, जिन्ना थे मरे वाला इंसान है? जिन्ना थे के मरे वाला इंसान है? कौन है? कौन है? कौन है? हाँ मरे वाला इंसान है जिन्ना थे अभी से? कौन है? क्या दुश्मनी थी इसके साथ? मार दो बोले इसको। अब मास में मारो बोले, पुण्य में मारो बोले। छोड़ू नको छोड़ू, छोड़ू क्या नको छोड़ू? छोड़ू क्या नको छोड़ू? बोल, खत्म कर दूं पूरा। चल फिर सही सही बोल। हाँ चल बोल, कौन है? जिन्ना थे इंसान मरे वाला, हबीस है चुड़ैल है, कौन है बता सबको? बताने तो बहुत बुरा हाल कर दूंगा। हाँ चलाओ जरा इसके आंख में आग लगा दो तेजी से। हाँ चल बोल, कौन है? पेट में से लगा आग तेरे, पानी पिला रहे बात मत कर, पकड़ के कट करके निकला, निकले तक गिला हटाना नहीं, निकला उसको कट करके जलाओ, उसकी टोपी पहना सिर पे जलाओ, उसके पेट में से आग लगाओ तेज से। चल बोल, हाँ बोल, रोको पड़े तक रोको, इतना लगा पूरी ताकत लगा। हाँ जोर से, जोर से। देखा, यहाँ कोई मिसाल नहीं है तेरी, कोई ताकत नहीं है। मैं अल्लाह के कलाम की ताकत है। वत्तब मातत लुशियातीन अला मुल्क सुलेमान को पकड़ना जो क्या बिगाड़े मौली साहब ने तेरा? कई को परेशान कर रहा हूँ तुम? हाँ
तमाशा पढ़ने नहीं दे रहा हूँ। कहाँ से आया तू? मारने मत लगा मुझे, उत्ता मत मार मार के पूरा चिंदिया कर दूंगा। पहले बोल कौन है तू? मुसलमान जी ने कभी से बाद में बोलना नहीं, मैंने जुलूम करा बोल के। फौरी बोल, जल्दी। हाँ चल बोल। हाँ शाबाश बोल, फिर बाद में बोलना नहीं मैं इतना जुलूम करा बोल के मारा बोल के। सही सही दास्तान बता। हाँ अभी याद नहीं है तुझे कौन डाला उसके हाथ में बोलकर? याद नहीं है? अभी याद दिला। बोल मस्ती चढ़ी। चल बता कौन डाले थे उसके अंग में? हाँ बोल, जगड़ो उसको और तेजी से। बड़ी तक रुक जरा मैं। हाँ चल सही सही बोलना तो पूरा काट के भस्म कर दूंगा। हाँ बोल कौन डाले थे बच्चे के अंग में? खिलाए थे मिलाकर? कौन खिलाया था वो? तुझे याद नहीं है? तुझे कौन डाला उसके अंग में? तो कौन डाला उसके अंग में याद नहीं है तुझे? चल बोल। चल बोल जल्दी। चल मेरे पास इतना तो टाइम नहीं है, तुझे एक मौका दे रहा हूं मैं। दू क्या? एक मौका दे रहे थे जाना करके आना दूसरी चक्कर तक। कौन समझ गया ना? दूसरी चक्कर तक आके मेरे को सब सुनाना, कौन लाके डाले थे बच्चे के अंदर, कहीं में मिला के खिलाए, कितने लोग थे जादू करने वाले, कटरे के कुमार क्या, कितने लोग थे जादू करने वाले, कहीं में मिला के खिलाए, तू लगा उसको खुद ब खुद, तू कौन है? जिंजात है, इनमें मराला इंसान बदरू है, कौन है? सब याद करके आके मुझे दूसरी चक्कर में सुना। तुझे एक मौका दिया मैंने, चल नाला बाद में सुनूंगा नहीं, मुझे याद नहीं है नहीं, ये नहीं, बाद में इससे भयानक मार के चिंदा करके भस्म कर दूंगा पूरा। जुलुमा कर रहे रे? हाँ मेरे पास ताकत रहे कि मैं जुलुम नहीं करा कभी, तुम लोगों को जुलुमा करके दिखा रहे। मनमानिया किसके चल रहे? हुकूमता किसके? सब याद करके आके सुनाना मेरे को दूसरी चक्कर तक। चल निकल, चल देख दुबानी, सब याद करके आना, उसके बाद तेरे को दूसरी चक्कर में फैसला दूंगा मैं, छोड़ूंगा या रखूंगा। क्या नाम है उसका? रफीक। रफीक, अब्दुल रफीक। अरे अब्दुल रफीक क्या होगा भट साहब, क्या हुआ? अरे अब्दुल रफीक ये कौन है? इमरान भाई। क्या हुआ अभी? पानी कस क्या गिर रहा तुम्हारे अंग में? मैं एकता हाँ क्या हुआ, कुछ याद है? क्या हुआ था अभी? देखो इधर मेरे को, देखो ये कौन है? इमरान। जोर से बोलो। इमरान भाई। अच्छा कहाँ से आए थे? औरंगाबाद से। अभी कुछ याद है क्या? अभी क्या हुआ था? क्या हुआ था? क्या हुआ? पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? क्या पूछ रहे थे? क्या क्या हुआ कुछ याद है क्या? पूछ रहे थे। क्या 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 ये कौन? इमरान भाई। क्या नाम है तेरा? वो कौन है उनका दोस्त? अच्छा याद आया सब। अब क्या हुआ था शुरू से आखिर तक का पूरा याद है क्या? क्या लास्ट लास्ट के या शुरू के, कौन से बात याद है मेरे अभी? लास्ट की कुछ। जोर से बोलो, दुनिया देख तुम आपको उधर पूरा। हाँ कुछ शुरू में याद है, कुछ आखिर में भी। अच्छा बीच में कब गए तुम्हारे आम पे? कुछ तो भी जिन्नात हाजिर हुआ था अभी, वो मार पड़ी उसको, धन धन दिए थे फटके। अब देखना उन सब याद करके आगे बोलेगा। क्या तकलीफ होती थी तुम्हारे? क्या रेगला हो रहे
क्या तकलीफ होती थी? दर पैर दुखते हैं। और क्या होता? हाथ में जलन होती है। कभी कभी थोड़ा बहुत नहीं होता। हाँ कभी दिमाग काम। अच्छा दवा खाने वहाँ खाने बताए थे पहले, दवा गोलियाँ करें, क्या हुआ था फर्क? अच्छा हम मास्कों में तो क्या होता था तबियत में? ज़्यादा ये हो जाता क्या? मेरा दिमाग काम नहीं करता। मैं आपसे बात कर रहा ना थी अम्मा सुनम में समझ में नहीं आता मैंने आपको क्या बात करा। वो अच्छा याद नहीं, एक मिनट भी अगर बोल दिया मैं तो बाद में पीछे जाए तो याद नहीं आता। अच्छा और दूसरी बात क्या बोलते तो वो दुआ पानी वो करे थे कहीं? हाँ कहाँ कहाँ गए थे? दो चार जगह गए। कहाँ पर? मुसलमानों का नहीं है अपने वाले पास। तुम वहाँ कुरान आती पढ़ने? कुरान कब सीखने वाले? फिर सीखना चालू है। और दूसरी बात क्या बोलते तो वो कभी कुछ दिखा था क्या साया पिया वो कुछ मतलब पैसा कोई तुम्हारे को साथ झप्पड़ झुप्पड़ जाती आती भी कुछ अक्स साया रात में रात बे रात को कभी कुछ दिखा क्या नजर आया क्या? बहुत डरा मैं। अच्छा कभी हाजिर हुआ था क्या आंग पे तुम्हारे? इससे पहले कभी हाजिर नहीं हुआ? अच्छा यहाँ कितने बार में हाजिर हुआ तुम्हारा? कितने चक्कर करे तुमने यहाँ हाजिर होने को? उधर देख के बोलो, तुम्हारा पूरी दुनिया देख रही। इसको पूछो, इसको हाँ इसके तरफ मारो कैमरा। कितने चक्कर लेके आए? हंसने की बात है क्या? अभी हंसने का था क्या तमाशा उठता देख के? तीसरी चक्कर सबसे पहले एक बार आए थे, दूसरी बार सामान लेके गए, तीसरी बार हाजिर हुए। कितने दिन का सामान लेके थे? अच्छा तो सामान कहाँ से लेके थे? मैं दिया था निकल बाजार से लेके आए थे। नहीं नहीं ऐसे तुम्हारा जो लिख के दिए थे तुमने लेके आए वो लेके गए जाके जैसा अमल दिए वो अमल करे बरोबर। फिर वो उतारा करे तुमने तो उतारा करने के बाद क्या हुआ था तुम्हारा? फायदा हो कुछ हुआ था? जब तक उतारा कर रहे फायदा हो। हाथ पैर उधर देख के बोलो तुम्हारा पूरी दुनिया देख रही। हाथ पैर है ना किधर हो गए थे? अल्लाह करम दर्द होता था हाथ पैर। फिर उसके बाद में अब क्या हुआ? अब हाजिर होगा। इससे पहले कहीं हाजिर हुआ था? इधर मारो उनको क्या बोलते थे? उनके आंग में आया आने के बाद में अभी देखो सब हुई दास्तान। वो जिन्ना था वो टट कर रहा था, मार पड़ी उसको। यहाँ सबको अच्छे अच्छों को अल्लाह कलाम से मार पड़ती। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है की ताकत अल्लाह कलाम की ताकत। कलाम इलाही सीखो, सब लोग सीखो, ज्यादा से ज्यादा इबादत करो, पढ़ो और तुम्हारे पास पढ़ने वाली जबान भी हो। देखो तुम भी कुरान पढ़ रहे, मैं भी कुरान पढ़ रहा। देखो मेरे कुरान पढ़ने में कैसा अल्लाह ने जो भी दिया मौजूदा में पढ़ते कैसा आता सामने शैतान। पहली चक्कर में आए थे, पहली चक्कर में आए उनको मैंने सामान वामान लिख के दिया था 20 दिन पहले। उन्होंने कुछ सामान लाए उतारेगा बाजार से दुकान से जो भी लेके आए उनका उनका पूरा सामान अपना अपना घर को लेकर घर को ले जाकर जलाए अमल करे सब अल्लाह करम से तबीयत उनकी राइट हुई। बोल रहे हैं उनके घुटने पिटनों में हाथों में कहीं दर्द होते थे तो सब दर्द चले गए, पेन किलर पेन होते थे उनको, पेन राइट हो गया अल्लाह के हुक्म से। फिर उसके बाद अब उन्होंने आए तो अब जिन्नात हाजिर हुआ उनके अंदर। वो जिन्नात बैठ के उनके अंदर दर्द तकलीफा देके उनकी तरक्की को रुका रहा था सब परेशानियों में डाल के करके। हो सकता है उसको हुक्म दिए थे उन्हें कब मारने का क्या है तो वो आगे बताएंगे आप। दूसरी चक्कर में आके वो इंशाल्लाह पूरा राउंड में सब नाम वाम खुल जाएंगे। वो जिसने भी डाला था क्या डाला था वो उनके उन्होंने जाने, वो जो करा उन्हें जाने। मगर ऐसा नहीं करना किसी के बच्चों पे जादू टोने, इस्लाम में सख्त मना करे। अल्लाह ने कुरान में मना फरमा दिया जो जादू सीखते हो गलीज लोग अल्लाह ने बोला और सीख कर लोगों को परेशान करते बहुत बुरी बात है, वो जहन्नुम के हकदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस में फरमाए जो जादूगर के पास जाता वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। जादूगर भी हम में से नहीं है और जादूगर के पास जाने वाला भी हम में से नहीं है। इस वास्ते अल्लाह के कलाम के रस्सी को मजबूती से थामो और हदीस और कुरान को मजबूती से फॉलो करो। दुआ मोमिन के वास्ते अल्लाह ने हथियार रखा, तुम इस पे अमल करेंगे तो तुमको दुनिया में ये सब चीज़ों से तुम महफूज रहेंगे। तुम अगर ऐसा बोलेंगे कि नहीं अभी हमारे कुरान सीखने को टाइम नहीं है तो अल्लाह बहुत करना माफ करे अस्तग़फिरुल्लाह। फिर कब सीखते? खबर में जाने के बाद सीखते क्या? खबर में जाने के बाद पढ़ेंगे क्या? रोज का माहौल बनाओ, कल करने का तो आज कर, आज करने का तो अभी कर, अभी करने का तो चल उठ और शुरू कर, शुरू करो फटाफट शुरू करो सीखो जाके। कोई शर्म की बात नहीं है। दौर ऐसा होगा तुम नेटो के रिचार्ज मार रहे रात दिन यूट्यूब देखते बैठ रहे, देखो से सोचो तुम खुद के दिल को पूछो कि तुम कितने घंटे YouTube देख रहे, दिन तुम्हारा उसमें चले जा रहा। कि तुम्हारे लॉकडाउन का इतना बड़ा मौका मिला था इसमें पूरी कुरान याद करके निकाल लेना था तुम लोगों ने। चलो उतनी याद नहीं कर सकते तो पढ़ना तो सीख लेना था जिसको नहीं आता तो, और जिसको आता उन्हें हिफ्ज करने की कोशिश करना था याद, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरत का सौदा है और साथ में दुनिया, दुनिया और आखिरत दोनों तुम्हारी बन जाएंगी। उसकी रस्सी को मरना तो सब कुल्लु नफ्सुल ज़ाइक़तुल मौत,
हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है सिवाय अल्लाह को छोड़ के, बाकी सब जितने भी जानदार है सबको मरना है और लौट के अपने मालिक के पास जाना है। वहां जाने के बाद क्या हिसाब देंगे, हाय हाय मुझे कुरान नहीं आता बोलेंगे अल्लाह के सामने, वहां ऐसा बोलेंगे क्या मैदान में जब तुम्हारा फैसला होगा तो हाय हाय मैं क्या बोलते तो वो नहीं कर सकता था, माँ सिखा नहीं मैं माफी चाहूंगा, क्या क्या बोलेंगे तुम, शर्म आ रहा, मोबाइल चलाने आ रहा, गाने सीख रहे, इंग्लिश सीख रहे, पढ़ाई सीख रहे, दुनिया के अखबार से सीख रहे, बच्चे को दुनिया की स्टडी करा रहे, तो अरे आखिरत की भी कराओ जरी, आखिरत भी तो है ना, उसके बारे में भी सोचना है ना, यौम अल-क़ियाम आखिरत का दिन, हमको भी तो उसके बारे में फोकस करना है ना, आखिरत के वक्त के बारे में, दुनिया देखो तुम दुनिया भी करो, कुरान भी तुझे कुरान थी क्या रे, देखो ये बच्चे को भी कुरान नहीं आ रही, इतना बड़ा होगा मराठी लिखने पढ़ने आती है, इसको पढ़ाऊंगा, कितना पढ़ा तुमने, कितना पढ़े, दुनियादारी के अच्छे पढ़ाया करे हम, दसवीं के उन्होंने आठवीं के, और कुरान की अब सीखनी है उसी के लिए गए बारी तो के इनको अभी बारी में लगाई उन्होंने, मैंने सीखो करो तुम्हारा फायदा है उसमें, तुम्हारी आखिरत सुधर जाने वाली, दूसरा किसी का कुछ नहीं है उसके अंदर, और खैर बहुत सारी बातें हैं, अमल करो, इबादत पे ज्यादा से ज्यादा फोकस दो और बचो, जादूगर के पास जाने से बचो, तुम्हारे को कुछ फैज नहीं दे सकता, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देता, फैज अल्लाह के कलाम के अंदर है फैज, दुनिया में खाली अल्लाह ने कलाम इलाही में फैज रखे, अल्लाह तो कलाम इलाही पढ़ने वाला तुम्हें फैज दिलेगा, फैज तुम्हारा वहां से कहां से मिलेगा, इबलीस के मानने वालों के पास से, इबलीस तुम्हारा जहमत दे सकता है, उसके पास उसके चाहने वाले उसके चेले चपाटे तुम्हारा जहमत दे सकते, तुम्हारा रहमत अल्लाह की नाजिल करके नहीं दे सकते, अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल होती है उस पर बरसती जो अल्लाह की इबादत करता, तुम लोग इबादत करो और खुद बरसा आगे बढ़ा के रहना, ज्यादा से ज्यादा इबादत करो, हर नमाज के बाद इबादत करो, पढ़ने की कोशिश करो, हाँ गाना याद हो जाता, पिक्चरा याद हो जाते, तीन घंटे के चार घंटे की पिक्चर, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, मैंने जो चीजा देखा वो तुम नहीं देख सकते, मैंने जो तजुर्बे देखा दुनिया ये दुनिया के अंदर, मैं भी तो डॉक्टर था, मेरी भी तो पढ़ी हुई एजुकेशन बहुत हासिल, मैं सब चीजों को उतना नहीं मानता था जितना मैंने देखा लाइव में प्रैक्टिकल में, जो चीजें देखा मैंने वो तुम्हारा बयान भी नहीं कर सकता मैं, इसलिए मैं बोलूंगा तुम्हारे जो बुजुर्ग बोलते थे ना इबादत करो पढ़ो बख्शो वो हर बात हक है और सही है, इस वास्ते मैंने सब देखा बैठ कर सारी दुनिया में दूसरी दुनिया क्या है, तो इस वास्ते बेहतर है कि तुम इबादत करो, मैं जो तुमको बता रहा हूँ इबादत की रस्सी को बहुत मजबूती से उठाऊंगा, बहुत सारी बातें और बुजुर्गों की बातों को झूठ और मजाक मत समझो, वो जो बोलते थे वो पत्थर की लकीर थी, मैंने हर बात देख लिया आजमा के दुनिया में।